नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव और भी बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यपाल को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो बंगाल को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, वो भ्रष्ट है और उनके खिलाफ हवाला जैन केस के नाम था। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, वो सभी को डिफेक्ट करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने नवान में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा राज्यपाल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने 3 बार केंद्र सरकार से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीटीए की जांच से पहले राज्यपाल के दौरे की जांच होनी चाहिए। वो किन लोगों के साथ लेकर उत्तर बंगाल गए थे, इसकी जाँच होनी चाहिए। वो उत्तर बंगाल क्यों गए थे, फिर वहाँ एक नई टीम गई है, किसके साथ मुलाकात किए थे, बीजेपी एमएलए क्यों अचानक उत्तर बंगाल गए, क्या उत्तर बंगाल को तोड़ना चाहते हैं। बता दें कि आज ही राज्यपाल उत्तर बंगाल के दौरे से कोलकाता लौट रहे हैं और जीटीए में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जानबूझकर उत्तर बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्यपाल पहले कभी नहीं देखा। जितने दिन तक रहेंगे बात करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वहाँ जाकर बीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात की थी और कहा था कि आप लोगों को आंदोलन करें, क्या एक राज्यपाल ऐसा बोल सकता है। उन्होंने कहा कि उनका नाम हवाला जैन केस नाम में था, कोर्ट से राहत मिल गई थी, फिलहाल कोर्ट में केस लंबित है, वो एक भ्रष्ट आदमी है, वो सभी को डिटेक्ट करते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये भी वो बताएंगे, वो कौन होते हैं, वो एक राज्यपाल है, वो ऐसे देख के कैसे केंद्र सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार कभी राज्यपाल भेज रही है तो कभी मानवाधिकार आयोग भेज रही है, महामारी के दौरान भी भेज रही है, क्योंकि यूपी के सीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। यूपी में 100 डेड बॉडी गंगा में बहा दी गई, बड़ा अपराध किया गया लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल बंगाल में अवरोध पैदा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई है लेकिन अभी भी हार स्वीकार नहीं हो पा रही है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।